बच्चों हम करेंगे सेकेंड बुक क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं इसके जो कुछ टर्म्स हैं जो हमें बार बार यूज करने हैं, वो टर्म्स जो हमें बार बार यूज करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी मीडियम की किसी मीडियम की ताकत। क्या कह रहे हैं? ठीक है, किसी मीडियम की स्ट्रेंथ। जो मीडियम जितना ज्यादा ताकतवर होता है, जो मीडियम जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो मीडियम लाइट की स्पीड को उतना ही स्लो कर देता है अपने अंदर। अगर आप रोड पे जा रहे हो, हाईवे सड़क पे जा रहे हो, आप बाइक की स्पीड 120 जैसे ही सामने देखा आपने कि ये ठुल्ले खड़े हैं, कौन खड़े हैं? पुलिस सामने खड़े, कांस्टेबल। कौन खड़े सामने? कांस्टेबल। तो आप क्या करोगे अपनी स्पीड को स्लो कर दोगे ना 40। तो आपने क्या देखा? सामने कौन था? ताकतवर। कौन था? आपने अपनी स्पीड क्या कर दी? कम कर दी। ठीक है, और वही अगर उसी रोड पे आपको मिल जाए कौन? चोर। क्या मिल जाए? चोर। तो अपनी आपकी बाइक की स्पीड जो 120 थी वो कितने कर दोगे आप? हैं 220 कर दोगे। तो जितना ज्यादा ताकतवर कोई मीडियम होता है बच्चों, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उतनी ही जो लाइट की स्पीड है क्या होती है? कम। क्या होती है? कम हो जाती है। फिर से, अब कैसे हम लोग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नापते हैं, मेजर कैसे करते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो मान लो एक तालाब है, डिंग 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 डिंग। बच्चों ये हमारी लाइट की स्पीड, ये हमारी लाइट की स्पीड है मान लो कितनी, V1। झिक झिक। ये एक पॉइंट है जहाँ पे लाइट ये इंसिडेंट हिट करती है। हमने इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों। क्या ड्रॉ किया? एक नॉर्मल ड्रॉ किया। इस रे को, जो रे आ रही है, आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है बच्चों, से बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे जब आ रही थी तो मान लो बच्चों इसकी स्पीड कितनी है? V1। इस रे को जाना है सीधा सीधा सीधा, लेकिन बीच में आ गया एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। पहले वाले मीडियम का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। कितना? दूसरे वाले का मान लो कितना है? 2।
इसकी वैल्यू मान लो कितनी है 1, इसकी वैल्यू मान लो कितनी है 1.5, कितनी है। तो फर्स्ट मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, सेकंड मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो कितना हैवी है सेकंड मीडियम 0.5। ये लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो दूसरा मीडियम उस लाइट की स्पीड को कम कर देगा या और इंक्रीज कर देगा, अजी तो क्या करेगा, कम कर देगा। जब लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, थक जाएगी, तो थक के झुक जाती है या और फैल के निकल जाती है, झुक जाती है। जब ये रे आएगी तो अंदर घुसते ही इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। स्पीड कम होने से ये थक जाएगी और थकने से ये झुक जाएगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये रे बेंड हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ, ये रे लाइट अपनी स्पीड को कम कर लेगा और नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा। बच्चों देखो इतनी ये क्या हो चुकी है, ये इस रेस इस पाथ से ये इतनी डेविएट हो चुकी है, इतना एंगल। अब बच्चों इसमें कितना एंगल ये डेविएट हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल के साथ इस वाली रे ने कितना एंगल बनाया। अब ये जो रे है जो अंदर चली गई बच्चों अंदर, इसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम दिया बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ में जो बनता है एंगल, से बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों। अब एक बात और, उस तरफ फिर इसको बोलेंगे, इसको टूवर्ड्स नहीं बोलेंगे हम लोग, टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अबे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल से ये अबे हो गई, क्या चली गई अबे, और अबे कब जाएगी ये, जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्या होगी, और स्पीड कब बढ़ेगी, जब ये एक और हल्के मीडियम में एंटर करेगी, इससे भी हल्की मीडियम में एंटर करेगी अगर ये। तो जब कोई रे अपने से कमजोर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होती है, फिर वो रे अवे जाती है। तो व्हेन द रे, फिर से आदित्य, व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम तो क्या होती है, इट विल बेंड अवे और इट विल बेंड टूवर्ड्स बेंड अवे। एंड व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी, इस मीडियम में बच्चों सुनो यार, इस मीडियम में अब जो लाइट की स्पीड होगी, हमने मान लिया ये स्पीड कितनी है बच्चों, कितनी मान लिया बच्चों स्पीड हम लोगों ने, V2। किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा थी मुस्कान, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है पलक। मान लेते हैं कि यहां लाइट की कहां गई, यहां लाइट की स्पीड है मान लो 100 मीटर पर सेकंड, कितनी है बच्चों स्पीड यहां पे लाइट की 100, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हम लोगों ने कितना 1.5, थोड़ा और इजी करते हैं 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2। जब लाइट आ रही थी तो लाइट की स्पीड थी कितनी 100, जब ये लाइट की स्पीड 100 थी और ये लाइट जब ऐसे मीडियम में एंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है, तो लाइट की अब स्पीड कितनी होगी इस मीडियम में, आंसर है जितनी आ रही थी उसे 2 टाइम्स कम कर देंगे लाइट की स्पीड को। और अगर ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ताकतवर होता, मान लो कितना होता इसकी वैल्यू 4 होती, अगर इस मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स होता 4 तो लाइट की स्पीड कितनी रह जाती इसके अंदर, कितनी बचती लाइट की स्पीड इसके अंदर है 100/4, और कम हो गई ना, क्या हो गई, नहीं नहीं
ये टू जो है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, वो डिवाइड करेगा उसको। अगर इस मीडियम की इफेक्टिव इंडेक्स वैल्यू हो गई 2.5, कितनी हो गई, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस है इस वैल्यू की पलक के? सर जी ये मीडियम लाइट की स्पीड को 2.5 टाइम्स रिड्यूस कर देगा, समझ नहीं आई बात? तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी टाइम्स लाइट की स्पीड को कम कर देना। तो जो ये आपका आंसर है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये बताओ क्या आया ये अभी, ये 100 बटे तो क्या आया, ये क्या आया, ये क्या है दक्षिणा, ये किसमें, हाँ ये आई आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन। अब थोड़ा गौर से देखना, गौर से इसको, ये आपके पास आई लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में, गौर से ध्यान देना ये पर बच्चों, ये आई आपकी लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में। बच्चों इसमें 100 क्या है, 100 आंसर है लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में, बटे ये 2 क्या है, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका ही है, सेकंड मीडियम का है, कहां से ले आ रही है, फर्स्ट मीडियम में, किसके रिस्पेक्ट में है ये, नहीं नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में है, ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में है, तो म्यू टू 1 आ गया। 1 वो होता है जहां से रे आ रही होती है, और 2 वो होता है जहां रे जा रही होती है। एग्जांपल के लिए बच्चों म्यू जी डब्ल्यू क्या मतलब है इस बात का, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, जी का कि डब्ल्यू का, और रे कहां से आ रही है, हैं आदित्य, रे आ रही है डब्ल्यू से, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, जी का। म्यू वाटर ग्लास क्या मतलब है इस बात का, किसका तो किसका इफेक्टिव इंडेक्स है ये, वाटर का क्या ग्लास का, हाँ जो लेटर पहले लिखा है उसका इफेक्टिव इंडेक्स होगा ये, जो लेटर बाद में लिखा है वो सिर्फ क्या दिखाता है कि यहां से आ रही है, ठीक है बेटा। मुस्कान मान लो मुस्कान भागती है घर से, कहां से, घर से, और भागती 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 कहां पहुंचती है वो, प्रोसेंस का, प्रोसेंस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका लेंगे, जहां वो गई कहां से आई, वो घर से, जहां से आ रही है वो कहां होगा, लेटर पीछे होगा, जहां जाएगी वो लेटर क्या होगा, पहले होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किसका होगा, जहां वो एंटर करती है, जहां वो एंटर करती है। सुनो बच्चों अब यहां आते हैं फिर से तेरे से, ध्यान दो बच्चा, ये 100 किसकी स्पीड थी, ये 100 लाइट की स्पीड थी फर्स्ट मीडियम में, बटे ये 2 क्या था, ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था सेकंड मीडियम में, किसके रिस्पेक्ट में बे, फर्स्ट मीडियम के बराबर, ये जो हमें मिला था आंसर वो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, म्यू 2 को कहां लेके आ जाओ बच्चों, ऊपर, वी 2 को कहां लेके आ जाओ नीचे, ये किसकी बन गई इक्वेशन, किसकी बन गई इक्वेशन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी बन गई ये, तो अभी लिखो मत बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जहां से आ रही है बटे स्पीड ऑफ लाइट जहां जा रही है का जो रेशियो होगा वो क्या देगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। फिर से करते हैं बच्चों, तो फिर से मुझे आंसर दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी मीडियम की ताकत उसकी स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होगी किसी मीडियम की, उतने ज्यादा टाइम्स वो लाइट की स्पीड को रिड्यूस या डिक्रीज कर देगा। तो फिर से बच्चों अब लिखते हैं इसकी इक्वेशन, वही चीज मीडियम 1। बच्चों मैं जब जब मीडियम 1 लिखूंगा आप समझ जाना कि मैं लिख रहा हूं रेडर मीडियम। कौन से मीडियम होगा बच्चों ये हमारा, रेडर मीडियम,
और जब मैं लिखूंगा सेकेंड तो समझ जाना कौन से मीडियम में ये है, डेंसर मीडियम। अब रे आ रही है रेयर मीडियम से वी वन की स्पीड से है बेटा, हर केस में जब जब मैं लिखूंगा वन क्या समझ लियो, हर केस में जब भी मैं लिखूंगा टू क्या समझ लियो, हर सब में सब में सब में सब में सब में खत्म, बात ही खत्म। वन मतलब क्या, क्या कभी चीनी कड़वी हो सकती है, तो नहीं। वन मतलब सीधा सा आंसर है क्या, जब भी लिखूंगा वन क्या समझ लियो, जब भी लिखूंगा टू क्या समझ लियो, टेंसर है। बस मैं बार बार बोलूंगा इन्हें कि कौन रेरर है कौन टेंसर है। याद रखो बच्चों, फर्स्ट मतलब रेरर, सेकंड मतलब बच्चों जब आ रही है रेरर मीडियम से तो क्या करेगी, इट विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर गई बच्चों। कितनी स्पीड से गई है, वी टू की स्पीड से। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन बराबर म्यू टू वन, क्या हो गया ये वी वन बटे वी टू। कॉपी कर लो बच्चों, क्या पानी पानी देगा भैया, बच्चों हो गया। हाँ फिर से तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो हमने अभी पढ़ा, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों, दूसरे फॉर्मूले के लिए, दूसरे फॉर्मूले के लिए बच्चों हमने बात की स्नेल्स लॉ की, किसकी, स्नेल्स लॉ की, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की। तो इस भाई ने हमें कहा कि मान लो बच्चों एक मीडियम है रेडर वन, दूसरा है डेंसर टू, रे आ रही है, आने वाली रे को क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है बच्चों, जिग 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 जिग। रे तुम लोग ड्रॉप रो पहले समझ लो यार, नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ में जो बनेगा एंगल क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बोलेंगे। जब ये रे डेंसर में घुसेगी बच्चों तो क्या करेगी, ये बैंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के साथ जो बनेगा एंगल क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स भैया ने हमसे कहा कि आई और आर के रेशो को निकालेंगे, आई का लेंगे साइन, आर का लेंगे साइन, दोनों के रेशो को निकालेंगे तो इस मीडियम का हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। यहां भी कौन सा एंगल है बच्चों, यहां भी कौन सा एंगल है, आई, आई एंगल पहले कहां आ रहा है, रेरर में कि डेंसर में है, तो जो रेरर में एंगल होगा वो एंगल लेना है ऊपर, जो टेंशन में होगा वो एंगल लेना है नीचे। जैसे कहा हमने किया था वी बटे वी, ऊपर कौन सा वी होगा, है रेडर वाला, नीचे टेंशन वाला। सुनो बे, सुनो सुना सुना बे,
ऑप्शन दूंगा, बताना कौन सा सही ऑप्शन होगा। बच्चों ये हमारी रे है, ये हमारा आर है, चलो यार ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा है, ये टू है, ये वन है, बताना बच्चों सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा। Which option is correct option? आंसर नहीं देना, मैं बता क्या आंसर होगा। कौन सा होगा ठीक? तू कौन सा कह रहा है? फोर कह रहा है, फोर ठीक होगा। तू कौन सा कह रहा है? फोर्थ होगा। हाँ टोटो राहुल तू बता कौन सा आंसर होगा। कुछ भी तू बता। अरे जान क्या बात है, अभी तू पिटेगा रुक जा। कांची कांची रे कांची रे। हाँ कौन सा हुआ तनुज? अबे तूने पहले फर्स्ट बोला है, फिर तूने बोला सर सेकंड, फिर बोला नहीं सर थर्ड 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 थर्ड, नहीं सर फोर्थ 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 फोर्थ, और फिर तू फर्स्ट 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 कर रहा है। अबे एक ही मिलता है ऑप्शन एग्जाम में सर, एरो नहीं वो इतने दिखाया मैंने एरो, हमें वो ही तो देखना होता है, गौर से देखना होता है, गौर से जितना गौर से तुम ताड़ते हो ना उतना गौर से तुम्हें क्या देखना होता है क्वेश्चन। वहां नहीं है, वहां लेजीनेस नहीं है, वहां नहीं है, वहां तो वहां नहीं है, ये वहां नहीं है। गली में कोई चला गया ना कल मूंगफली लेके, तो मूंगफलियां ओ गरम गरम मूंगफली यहां नहीं है। क्या कह रहे? ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखो, एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती कर दो और आप गलती कर देते हो, आता वो भी क्वेश्चन गलत कर देते हो। हाँ फिर से है? तो बच्चों इसमें रे कहां से कहां जा रही है? सेकंड से फर्स्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? फर्स्ट का। किसका आएगा? फर्स्ट का। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा हैं? अब कौन सा सही ऑप्शन है? तो जहां पे जहां से रे जा रही है उसका एंगल लेंगे पहले, जहां रे जा रही है उसका एंगल लेंगे नीचे बाद में, ठीक है ना। खैर क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो ठीक है ना। और जो बच्चे कह रहे थे ये भी ठीक आंसर है, ठीक है। तो दो आंसर ठीक थे इसमें, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी कि एक ठीक क्यों है। और जो ये कह रहे हैं कि सर ये भी ठीक है, वो बताओ मुझे कि ये ठीक क्यों है। तो रुक जाओ यार, समय दो मुझे, समझ जाओगे कि ये भी ठीक क्यों है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए, अभी के लिए आपका ये ठीक है आंसर।
हाँ उठक, हाँ वेरी गुड, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। तो स्नेल से हमें जो नियम दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब दो फॉर्मूले बन गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के। ठीक है तनुज, कितने बन गए बेटा? दो फॉर्मूले, कौन कौन से बेटा? एक म्यू टू वन किसके हो गया इक्वल वी वन बटे वी टू, और दूसरा क्या हो गया बेटा? साइन आई बोलू क्या? आई बोलू चलेगा? आई साइन थीटा वन बटे साइन थीटा टू चलेगा, है ना? ये ठीक है ना? साइन थीटा वन बटे साइन, मतलब साइन कहां पे एंगल है? ये फर्स्ट में कहां एंगल है? ये दो बन गए रिलेशन। अब आते हैं बच्चों आगे, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ध्यान दो बच्चों, समझना पहले, बाद में कॉपी करना इसको। ये मान लो एक तालाब है, तालाब के ऊपर एयर, हाँ फिर से। अच्छा ये है रेडर मीडियम और ये है आपका डेंसर मीडियम। जिग 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 जिग, ध्यान से समझना बच्चों इस टॉपिक को। तो फर्स्ट रे आ रही है रेडर मीडियम से बच्चों, और ये नॉर्मल है, ये बन रहा है एंगल आई। ये रे क्या करेगी? बैंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये बनेगा एंगल हमारा आर। ठीक है, यहां मान लो एक टॉर्च है, क्या बच्चों? यहां पर एक टॉर्च है, ठीक है, और टॉर्च किसने पकड़ी है? है किसने? राज ने, ठीक है। तो टॉर्च पकड़ी है किसने? ये राज ने। अब हमने क्या किया? राज को दफना दिया तालाब के अंदर, कहां पर? तो अब ये तालाब के अंदर टॉर्च पकड़ रहे हैं, ठीक है। जब ये अंदर चला गया बच्चों तालाब के अंदर, तो जब उसके अंदर ये टॉर्च इसने ऑन कर दिया, तो अब जो ये रेज है, ये रेज इसने इतने ही एंगल से इसको हिट किया जितना एंगल से ये नीचे आ रही थी, जितना एंगल से ये रिफ्रैक्ट हो रही थी उतने एंगल से इसने इसको हिट किया इस रे ने। बताओ बच्चों, अब ये रे सेम पाथ के अलोंग जाएगी या अपना पाथ कुछ अलग अलग बनाएगी? ये सेम पाथ को फॉलो करेगी या अपना अलग पाथ बनाएगी? है अलग, मतलब कैसे? क्योंकि डेंसर से जब रेयर पे जाएगी तो ये क्या हो रही है, ये जाती है ऐसे, अगर ये यहाँ कोई मीडियम नहीं होता जाती है ऐसे, है ना बच्चों? ये जाती है ऐसे। तो जब भी रे कोई डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट विल बैंड अवे और इट विल बैंड टुवर्ड्स, तो अवे से तो यही तो बनेगा बेटा, समझ गए बात? ठीक है ना? तो आंसर है यस, ये जो रे है ये रे सेम पाथ को फॉलो करते हुए कहां जाएगी बच्चों? ये वापस। तो जब ये अंदर से ऑन कर रहा है लाइट, उस केस में आई जो था वो क्या था?
आर, और जो आर था वो क्या था, आई समझाता हूँ फिर से। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ से पास कही जिग 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 जिग, अभी मान लो हमारा एंगल बन रहा है 40 का, कितना बन रहा है 40 का, रे आ रही है बैंड करती हुई टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये बन रहा है कितना एंगल 30 का। इस केस में आपका आई कितना 40, आर कितना 30। जब हमने इसको अंदर लेके आए, अंदर आने के बाद हमने यहाँ रखा टॉर्च बच्चों, अब यहाँ से हम लोग रे को, हमने लाइट हमने स्टार्ट की और रे के पाथ को ऑब्जर्व किया, अभी रे जा रही है गज 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 गज, अभी कितना एंगल से हिट कर रही है 30 एंगल से हिट कर रही है। इस केस में आपका आई कितना हो जाएगा, 30 एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा बच्चों। तो यानी कि जो आई था वो किसके इक्वल है, वो आर के, और जो आर था वो किसके इक्वल है, आई के। जब रे यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है, तो उसको आई की जगह मैं क्या बोलूं, आर चलेगा, तो बच्चों उसका चलेगा है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जब हमने इस रे के पाथ को रिवर्स किया, क्या किया रिवर्स किया, हमने जब रे के पाथ को यहां से यहां लाके रिवर्स किया, तो हमने क्या देखा कि जितने एंगल से हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल से हम क्या कर रहे हैं, अगर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये रे सेम पाथ को फॉलो करेगा, क्या करेगा सेम पाथ को। जब ये सेम पाथ को फॉलो करेगा, उस केस में हमने दो अलग अलग केस के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले बच्चों। देखो जरा कैसे कैसे, पहला केस कब, जब रे कहां से कहां आ रही है, फर्स्ट से सेकंड मीडियम, व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो म्यू टू वन लूंगा या म्यू वन टू लूंगा, म्यू वन टू लूंगा या म्यू टू वन, म्यू टू वन लूंगा या म्यू वन टू लूंगा, है आदित्य रे कहां से कहां जा रही है, फर्स्ट से सेकंड में, जिस मीडियम में रे घुसेगी उस मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स हम पहले लेते हैं। अभी रे फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, तो कौन सा मीडियम है जो लाइट की स्पीड को डिसाइड कर रहा है, सेकंड के फर्स्ट जहां जा रही है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम किसका लेंगे, सेकंड का फर्स्ट का, सेकंड का लेंगे। तो रे जा रही है, तो रे इज गोइंग फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस किस का होगा, ये फर्स्ट का सेकंड का, सेकंड का, तो क्या हो गया ये म्यू टू, कहां से आ रही है, जहां से आ रही है वो लेटर बाद में आ गया। अब ये किसका होगा इक्वेशन बच्चों, ये साइन आई बटे साइन आर, यस या नो। दूसरा केस जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा बच्चों, सिमिलरली व्हेन द रे इज रिवर्स, ठीक है, देन, अब मैंने रे को रिवर्स कर दिया बच्चों, अब बताओ मुझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका लेंगे, वन का लेंगे टू के रिस्पेक्ट में, कि टू का लेंगे वन के रिस्पेक्ट में, हैं? वन का लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टू के रिस्पेक्ट, देन म्यू वन टू बराबर साइन कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर ये जो आई था वो क्या बन गया आपका, आर बटे साइन आई। यहाँ कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट बच्चों, बच्चों कोई डाउट बच्चों, ये हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन, ये मिली हमें सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या हो गया बच्चों, म्यू टू वन गुणा म्यू वन टू बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणा साइन आर, आर साइन आर बटे साइन आई। कुछ कट वट रहा है बच्चों, है
आई से आई गया, आर से आर गया, अहो म्यू टू वन कितना आ गया बच्चों, म्यू टू वन गुणा म्यू वन टू वन, ओहो ये तो वन आ गया। अब ये वन आ गया बच्चों, तो म्यू टू वन कितना हो गया, म्यू वन बटे टू। अरे मजा आ गया बच्चा, क्यों मजा आ गया बच्चों सुनो जरा। अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर आपको मान लो, सुनो बे बंद करो लिखना बंद, अगर हमें ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर के रिस्पेक्ट में, ओहो वाटर के रिस्पेक्ट में, और अगर आपको वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे आप लोग, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। समझ गए ये बात, आपको ग्लास का दे रखा है वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, क्या कर दोगे, जो गिवन है मान लो एक्स है उसको उल्टा करके क्या निकाल लेंगे, आराम से रिफ्रेक्टिवनेस निकाल लेंगे। तो एक तरीका ये मिल गया आपको रिफ्रेक्टिवनेस निकालने का, है ना मजेदार। तो अब आपके पास कितने बन गए रिफ्रेक्टिवनेस के फॉर्मूले, कौन कौन से, म्यू टू वन बराबर वी वन बटे वी टू बराबर साइन थीटा वन बटे थीटा टू बराबर एक बटे म्यू वन टू। शिक 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 शिक, कुछ कॉपी करना है आपको भी, कुछ कॉपी करना है और पीछे करना है, और पीछे साथ साथ कॉपी करो, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिलेगी।